गाइस, दिस इज सुमन कुमार, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज डिटेल मैथमेटिक्स। सो ऑन डिमांड हम लाए हैं साइंस। साइंस में आपको पता है तीन ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ भी है, बट मैथ तो अलग अलग सब्जेक्ट है। सो साइंस हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में साइंस पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, अभी कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। बट साइंस का भी डिमांड आ रहा था, उसके लिए हम साइंस लाए। साइंस को हम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले तीन चीज़ बता दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इतना होता क्या, पूरा डिटेल्ड में बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है। तो आज हम टॉपिक रखें व्हाट इज़ फिजिक्स, आखिर फिजिक्स है क्या, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स तो जब 9-10 में जब स्टूडेंट लोग आता है तो अचानक फिजिक्स मिलता है, फिजिक्स का सब्जेक्ट मिलता है, देखता डर जाता है, फिजिक्स क्या है ये, इतना एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी क्या क्या है, लॉज ऑफ मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस में बहुत पे भागता सेकेंड लॉ से, ये इतना टफ है क्यों नहीं होता है, मतलब ये सबसे सब भागता है फिजिक्स से। फिर क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इससे भागता है रेजिस्टर से, बहुत कोई बोलता है कि फिजिक्स, हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स, बोलता है ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये फिजिक्स है। जी नहीं, ये सब फिजिक्स नहीं है। पहले बात सवाल आता है व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स आइए देखते हैं फिजिक्स क्या। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, साइंस का ब्रांच है। हाँ हाँ ये मुझे भी पता है, आप लोग यही बोलते होगा, हाँ ये मुझे पता है, हाँ ये तो पता ही होगा कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इट्स फिनोमिना। समझे, देखिए कैसे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, तो सबको पता है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इट्स फेनोमेना, ठीक है। फिजिक्स वह ब्रांच है साइंस का जो बताता है कि एनर्जी और मैटर का मतलब वो जो क्या 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 काम है उसका रिलेशन एंड इट्स रिलेशन किसका, मैटर और एनर्जी का रिलेशन क्या है, ठीक है, इसका रिलेशन के बारे में बताता है, ठीक है। फिजिक्स यही है असली में, ये फिजिक्स जो है इसका मतलब, इसका हिस्ट्री क्या है, फिजिक्स आया कहाँ से, पहला बार फिजिक्स का टर्म्स इंट्रोड्यूस कौन किया, फर्स्ट टाइम फिजिक्स का जो टर्म इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था एरिस्टोटल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, क्या बोलते हैं अरस्तु, एंड एरिस्टोटल ही फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। वैसे फिजिक्स जो टर्म्स वो आया कहाँ से, पहला बात ये सवाल था, फिजिक्स का टर्म्स जो है ये ऑब्वियसली आप लोग भी सोचते हैं जी मैक्सिमम वर्ड्स जो ग्रीक्स आया है तो फिजिक्स भी शायद ग्रीक्स ही आया होगा, हाँ फिजिक्स भी ग्रीक से आया। फिजिक्स ये टर्म जो आया है वो आया है यहां से, कहां से आया, ग्रीक से आया, कहां से आया, ग्रीक से। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है ये क्या होता है, ध्यान से लिखते इसको बढ़िया से, ठीक है, ये ये टर्म क्या है पता है, आप भी सोचते हैं क्या लिख दिया है ये, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है फुजिका, क्या होता है फुजिका, क्या होता है फुजिका, ये फुजिका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है नेचर या फिर स्टडी ऑफ नेचर, क्या होता है नेचर या फिर स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, जो भी फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब हम जो कुछ भी देख रहे हैं, फैन का चलना फिजिक्स है, गाड़ी का चलना फिजिक्स है, फिर क्या मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब फ़ोन का चलना, फ़ोन हम लोग चला रहे हैं फ़ोन भी है फिजिक्स है, मतलब फ़ोन मतलब बनाया उसका फिजिक्स है, ठीक है, कुछ भी हो रहा, सूरज का ढलना भी फिजिक्स है, ठीक है, हर चीज़ फिजिक्स है, तो आप मतलब हर चीज़ हर जगह ही फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स क्या है हम लोग मतलब फिजिक्स क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स कहाँ से आया,
इसका रिलेटेड फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, समझ में आ रहा। फिजिक्स बताया ये क्या है, पहले एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है किस पे, स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, मैटर में सब चीज़ आ जाता है, एनर्जी पता ही आप लोग को, ठीक है। टाइम के बारे में लोग इसमें पढ़ते हैं, इसमें हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली जब क्लास लोअर क्लासेस में, लोअर से मतलब अप टू 12 तक हम लोग स्टडी फिजिक्स को 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 5 पार्ट में, अप्रोक्सीमेटली 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या क्या देखिए, वो 5 पार्ट के बाद 5 पार्ट के बारे में बताने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ा आएगा, अब उसे सुनिएगा, समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, वो मतलब एग्जैक्टली ज्ञान देगा फिजिक्स का कि फिजिक्स है क्या, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे हाँ, बस उसे पूरा सुनना होगा, ज़्यादा देर का है नहीं, ठीक है। चलिए वो कहानी स्टार्ट करते हैं, वो कहानी है क्या, मान लीजिए ये एक चेस बोर्ड है, ये क्या है, चेस बोर्ड 8x8 होता है, ठीक है, चलिए हम उतना नहीं बनाते फिर भी बना देते हैं, मान लीजिए ये चेस बोर्ड है, ठीक है, क्या है चेस बोर्ड, आप लोगों को तो चेस पता ही होगा, ठीक है, खेलना आता हो ना आता हो फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसमें उतना खेलना नहीं है, बस हम बता रहे हैं, ठीक है, ये क्या है चेस बोर्ड है, ठीक है। अब देखिए चेस बोर्ड है, मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, कोई भी नाम ले लेते हैं, चलिए एक रवि का नाम लेते हैं, रवि, ठीक है, एक और लड़का मान लीजिए ये हसनैन है, ठीक है, ठीक है, ये दो लड़का है, दोनों खेल रहे, ठीक है, वैसे ये दोनों मेरे दोस्त का नाम है, ठीक है, रवि है एक हसनैन है, ठीक है, और यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, जिसे खेलना नहीं आता, ये दोनों को खेलने आता है, इसको भी खेलने आता है, इसको भी खेलने आता है, ठीक है, बट इसे खेलना नहीं आता, समझ में आ रहा, इसे खेलना आता है, इसे खेलना आता है, इसे खेलना नहीं आता, ये सीख रहा है, ये क्या कर रहा, सीख रहा, मान ली इसका नाम सुमित है, चलिए मान लिए सुमित है, ठीक है, और यहाँ ये फ़ोन से बात कर रहा, ठीक है, ये फ़ोन से बात कर लिए मान लीजिए, ठीक है, ये सुमित फ़ोन से बात कर रहा, यहाँ इस यहाँ ये है कि यहाँ मान लीजिए इसका सुमित का घर है, ठीक है, अच्छा नहीं बन रहा ड्राइंग, कोई बात नहीं, यहाँ इसकी मम्मी है, ठीक है, ये भी मम्मी इसका फ़ोन से बात करे सुमित से, ये दोनों कनेक्टेड है लाइन पर, ठीक है, इसी इस मम्मी को भी, इसका मम्मी को भी चेस सीखना है, ठीक है, ऐसे चेस खेलना नहीं आता इसकी मम्मी को, इसको भी नहीं आता, इसको भी नहीं आता, ये क्या क्या चेस देखने गया, जिसने जहाँ पर रवि और हसनैन चेस खेल रहा है, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा, बस इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, कहानी में बहुत मतलब ये फिजिक्स पे ही कहानी है, ध्यान से देखिए, यहाँ प्याला है, एक प्याला 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 प्याला, यहाँ भी पता है प्याला 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 होता है, यहाँ हाथी होता है, हाथी होता है, ऊँट होता है, ऊँट होता है, घोड़ा होता है, घोड़ा तो मंत्री होता है, ठीक है, राजा होता है, यहीं पर वही वो भी हाथी हाथी ऊँट ऊँट घोड़ा मंत्री जो भी होता है ना, होता है ना, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, बस इतना होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये दो को आता है खेलना, ये दोनों गेम खेलेगा, ये ऑब्जर्व करने बैठा है, ठीक है, यहाँ पर से ये जो ऑब्जर्व करेगा इसको बताएगा, अब देखिए क्या होता है। अब ये क्या हुआ, इसका चाला है, रवि का वारी है, ये क्या किया, ये अपना प्याला को एक कदम आगे बढ़ाया, क्या क्या अपना एक कदम आगे बढ़ाया, ये तुरंत फोन लगाया, मम्मी प्याला एक कदम चलता है, प्याला एक कदम चलता है, ये तुरंत यहाँ पर आया, ये इसकी मम्मी क्या की, नोट कर ली कि प्याला जो होता है एक कदम चलता है, ठीक है, नोट कर ली। अब क्या हुआ, ये प्याला एक कदम चला, अब इसका बारी आया, इसका बारी आया, ये क्या किया, मान लिए ये भी अपना घोड़ा को एक दो अढ़ाई कदम चलाया, घोड़ा को अढ़ाई कदम चलाया, अब ये बोला मम्मी घोड़ा अढ़ाई कदम चलता है, घोड़ा अढ़ाई कदम चलता है, ये क्या किया, ये अपना मम्मी को बताया, इसका मम्मी फिर नोट कर ली, घोड़ा अढ़ाई कदम चलता है, ये नोट कर ली, ठीक है, अब ये क्या किया, अपना ऊँट को ऐसे चलाया तिरछा, मान लो तिरछा तीन कदम चलाया, ये नोट किया, मैंने ये फिर देखा कि मम्मी ऊँट तीन कदम चलता है, इसी तरह करते करते वो पूरा गेम जो है ऑब्जर्व कर लिया, ये सुमित जो था ये दोनों को खेलते हुए देखकर सारा चाल को नोटिस किया, सारा चाल को नोटिस करने के बाद सारा गेम को ऑब्जर्व कर लिया, कौन ऑब्जर्व किया, सुमित ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या किया, सारा
सारा गेम इस पर बताया अपना मम्मी को, और मम्मी को बताने के बाद ये पूरा नोट करवा लिया। क्या क्या नोट करवा लिया कि कौन कितना चाल चलता है, किस समय कैसे चलता है। तो अब मेरा सवाल ये है आप लोग से कि क्या ये पूरा गेम खेलना सीख गया, क्या ये पूरा गेम खेलना सीख गया? जी नहीं, क्यों नहीं सीखा? ये भले ही बेसिक सीख गया कि किसका चाल कैसे चला जाता है। अब इसी में एक और सिचुएशन आया, एक ऐसा सिचुएशन आया कि ये प्याला एक कदम इधर चला, ये प्याला एक कदम इधर चला, एक प्याला एक कदम इधर चला, यहां पर अब दोनों सामने आ गया, सामने आ गया, दोनों सामने आ गया। ठीक है, अब क्या किया रवि, अब दान अब इसका था रवि का चाल है, ठीक है, किसका चाल है रवि का, दोनों सामने आ गया। अब रवि क्या किया, एक प्याला इसका रवि का इधर चला, ठीक है। अब हसनैन क्या किया, हसनैन हसनैन का जो चाल आया ये इसको मार दिया। लो ये अब कंफ्यूज कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक, ये क्या हो गया, ये जो प्याला सीधे चला था अचानक ये तिरछा क्यों चला, तिरछा क्यों चला? फिर ये नोटिस किया, बोला नहीं 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 नहीं, ये अब तिरछा भी चलता है, जब सामने को आता है तो तिरछा भी मारता है। इसी को बोलता है लॉ, जो सेकंड लॉ बनता है ना, एक लॉ जो बन गया, एक लॉ जो बन गया, अब वो लॉ कहीं पर वैलिड नहीं है। तो सेकंड लॉ जो लाया गया उस लॉ को बनाने के लिए ये जो तिरछा चला ना, वहीं पर वो सेकंड लॉ बन जाता है। ठीक है, समझे? लॉ एक बारे में एक बात याद रखिएगा, हर एक चीज का, चाहे फिजिक्स का लॉ हो, केमिस्ट्री का हो, किसी का भी लॉ हो, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको बस समझिए क्या बोलना चाह रहा। ठीक है, तो मेरे पास एक ही सवाल था कि क्या ये पूरा गेम से खेलना सीख गया? नहीं, क्योंकि हर एक सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में हर एक चाल होता है, हर एक सिचुएशन में हर एक चाल होता है। ठीक उसी तरह आप इसको इमेजिन कीजिए, ये जो चेस बोर्ड, चेस बोर्ड है, ये क्या है, पूरा यूनिवर्स है। ये क्या है, यूनिवर्स, यूनिवर्स में अजीबो गरीब फेनोमेना हो रहा है, हर एक फेनोमेना, कभी इधर कुछ हो रहा, कभी इधर कुछ हो रहा, कुछ भी हो रहा, सूरज का ढलना, सूरज उगना, जाली चल रहा, ये हो रहा, उधर हो रहा, मतलब कुछ भी हो रहा, आंधी आ रहा, तूफान आ रहा, इतना सब कुछ हो रहा। ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा, ठीक है, ये सब यूनिवर्स में हो रहा। क्या हो रहा है, यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स में सब कुछ हो रहा। ठीक है, ये जो हो रहा, ये चीज़ हो रहा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फेनोमेना जो हो रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फेनोमेना। ये जो कुछ भी चाल जो चल रहा ना, चाल, चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोमेना, चाल जो चल रहा है, फेनोमेना। ये सुमित जो देख रहा है, ये कौन है, सुमित जो ये देख कर ऑब्जर्व कर रहा, सुमित जो देख कर ऑब्जर्व करके नोट कर रहा, ये कौन है, ये साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट ही हम लोगों को बताता है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब ये नहीं कि फिजिक्स से नेचर बना, नेचर से फिजिक्स बना, नेचर से फिजिक्स बना, फिजिक्स से नेचर नहीं बना। ठीक है, वो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो मम्मी ये जो नोट कर रही है, ये क्या है, ये हम लोग नॉर्मली, ये कॉमन पीपल है, जिसको हम लोग को साइंटिस्ट के थ्रू सारा बात पता चल रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसे समझ में आ गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स आखिर में है क्या, क्योंकि जब तक फिजिक्स के बारे में आप डिटेल में नहीं जानेंगे तब तक आप फिजिक्स पढ़िएगा कैसे, तब तक फिजिक्स का मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, अंदर से मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। जब एक बार मज़ा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में, तो फिर वाह, लाइक क्या फिजिक्स तो कुछ नहीं, हलवा है। ठीक है, ई एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू यू एस डब्ल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब इससे फिजिक्स नहीं, ये सब फिजिक्स नहीं, फिजिक्स को मतलब मेन समझिए, मज़ा आएगा। 9-10 में हम भी भागते थे, 11-12 में अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, हम भी सीखे। ठीक है, चलिए इसको इसको समझिए, इसको समझिए फिजिक्स क्या, मतलब कितना अच्छा कहानी था। ठीक है, चलिए अब आपको आगे बताते कि और आगे फिजिक्स में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या 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 आपको जानना है। ठीक है, सो बेसिकली फिजिक्स को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ऐसे होते बहुत पार्ट हैं, अबव 12 लेवल बहुत सारे हैं, स्ट्रिंग मतलब वो सब जो होते हैं वो बहुत सारे आगे हैं, मतलब फिजिक्स के आगे रिलेटिविटी भी आता है, बट हम अभी बेसिकली क्लास 12 तक 5 पार्ट में डिवाइड किए, कौन कौन, मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, 5 तक हम मतलब 5 तक हम बताएंगे कि क्या क्या होता है, खास है, इसके आगे पढ़ना नहीं है, इसके आगे आगे पढ़ना है तो वो हायर क्लास में बहुत आगे है। ठीक है, तब तक के लिए आप फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जान जाइए अगर इसको पढ़ना है तो। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है, पहले बात मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में, मोशन इसके बारे में पढ़ते हैं, मोशन, बड़ा पार्टिकल्स का मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैकेनिक्स में जैसे कार कैसे चलता है, ठीक है, बाइक कैसे चलती है, फिर क्या हो गया मतलब चलती है, मतलब होता है क्या, उसका अंदर का पार्ट, इंजन के बारे में ही पढ़ना है, वो
कैसे मूव करती है, इंजन के बारे में पढ़ना है, बस उसका मोशन के ऊपर मूव करना है, ठीक है, उसके ऊपर मोशन के ऊपर पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ना है, साइकिल कैसे चलता है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स आपको थर्म मतलब समझ में आ रहा है क्या, हीट के रिलेटेड है, इसमें हम लोग को हीट के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, हीट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो है ना मोशन, ये जो है इलेक्ट्रिक डायनेमिक जो होता है ना, डायनेमिक मूवमेंट ऑफ जो मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक भी इसको पार्ट में बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये चार्ज मूव होता है तो उसकी वजह से कुछ एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मान लीजिए इलेक्ट्रोडायनेमिक मान लीजिए इसको, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ये समझने के लिए आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा जो फिजिक्स, उसके बाद ये सब समझ में आएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में फुल डिटेल स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स में लाइट, ठीक है। और ये मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोला जाता है इसको, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम, जो आजकल जो एटम होता है, न्यूक्लियस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एटम न्यूक्लियस के बारे में, यही सब के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक जो होता है ये, फिर रेडियो एक्टिविटी होता है, समझे ना, यही सब के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी यही सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आपको क्लास 9 और 10 का सिलेबस में दिया हुआ क्या, मैकेनिक्स 9 में था पूरा, फुल मैकेनिक्स था, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सब जो क्लास 12 में भी है शायद, मॉडर्न फिजिक्स भी है शायद, हाँ मॉडर्न फिजिक्स भी है इसमें, एक और साउंड भी आता है, साउंड का पार्ट्स आता है, अकोस्टिक बोलते हैं उसको, अकोस्टिक, ठीक है, वो सब मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किए गए, लेकिन फिलहाल हम तो कोई ये सब के बारे में पढ़ना है, मैकेनिक्स में बताए थे मौसम के बारे में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताए थे, हीट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हीट के बारे में पढ़ना है, हीट में कुछ अच्छे अच्छे लॉ है, ठीक है, जीरोथ लॉ है, समझ रहा ना, इसमें गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, फिर ऑप्टिक्स हो गया, इसमें कॉइल के बारे में पढ़ना पड़ता है, ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, फिर क्या हो गया शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे देखते हैं, मछली है एक क्या बोलते हैं मतलब बगुला होता है, मछली पकड़ता है, मतलब उसको क्या होता है अपेरेंट हाइट, मतलब उसको कहाँ पर मतलब वो हमला करेगा तो मतलब मछली उसको पकड़ा जाएगा, ये सब ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, डिके ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब आगे आप पढ़िएगा। मेन मेरा मकसद था समझाना था फिजिक्स होता है क्या, फिजिक्स उतना टफ नहीं है, बस को मतलब अंदर से पढ़ा जाए, मन से पढ़ा जाए, हाँ इसमें थोड़ा और इसमें है कि मतलब फिजिक्स टफ कहाँ पर हो जाता है, जिसको मैथमेटिक्स में उतना ये नहीं होता है, मतलब मैथमेटिक्स में उतना मतलब डीप नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स, मेरे एक सर बोले थे, मेरे एक स्कूल के एक सर थे, स्कूल के तो बोले थे फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज लाइक का, देखिए फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स का without sword in a battleground, आप लड़ने तो चले गए युद्ध के मैदान में, लड़ने चल गए बिना हथियार लिए, समझे, आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आता फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए मतलब वही हाल हो जाएगा, मतलब आप युद्ध लड़ने तो चले गए, अपोनेंट के पास सारा हथियार है बट आपके पास कोई हथियार नहीं, आप सिर्फ हाथ से लड़ने चले गए, आप हीरो तो हैं नहीं, जो ये फिजिक्स हीरो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, समझे, विदाउट स्वर्ड इन अ बैटल ग्राउंड, फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत गहरा रिलेशन है, मतलब फिजिक्स में सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी तो है फिजिक्स में बट जो आपके असली में फिजिक्स है वो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आ रहा, इतना समझ गए, चलिए तो आपको समझ में आ गया फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के बारे में बता चुके हैं, ये फिजिकल जो मतलब एक बात और, जितना भी फिजिसिस्ट थे वो सारे फिलोसोफर थे, समझ में आ रहा, मतलब फिजिक्स पढ़ना है आपको, मतलब एक चीज़, एक और साइंटिस्ट ने ये बात बोला था कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में प्रिटेंड करना है तो आपको फिजिक्स आना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स आना, मतलब आपको किसी चीज़ को मतलब ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, मतलब जैसे आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या काम कर रहा, कैसे काम कर रहा,
होता है ना, कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है, वो क्या क्या काम किया, यही सब फिजिक्स है, यही ये भी फिजिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो आपको फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो ही गया कि फिजिक्स क्या है। तो इसके आगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम एक और लाएंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में बढ़िया से बताएंगे, फिर बायोलॉजी बताएंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस का सिलेबस बेसिक्स, एकदम क्लास टेंथ का स्टार्ट करेंगे, एकदम साइंस का एकदम तगड़ा सिलेबस स्टार्ट करेंगे, पूरे डिटेल्ड में बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा?